नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अमेठी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे से चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। चोरों ने किराना की दुकान गोदाम को निशाना बनाया है, जहां चोर गोदाम का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी उड़ा ले गए हैं और पुलिस के गश्त और सीसीटीवी की निगरानी भी चोरी की घटना को नहीं रोक पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्रावस्ती में अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई की गई है। डीएम नेहा प्रकाश के निर्देश पर अभियान चलाया गया है, जहां आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने जंगल छापेमारी कर 55 लीटर अवैध कच्ची शराब और 250 किलो लहन बरामद किया है। वहीं आबकारी विभाग की टीम की कार्रवाई के दौरान ही आरोपी तो फरार हो गए और फरार आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा साफ तौर पर नजर आ रहा है। शराब कारोबारियों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सख्त कार्रवाई करते हुए 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। बस्ती में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल होने के मामले में एसपी आशीष श्रीवास्तव ने एक एसआई समेत दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। आपको बताते चलें कि बस्ती जिले के ही मुंडेरा कस्बे में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मचा था, जहां दरोगा के तेज गति से गाड़ियों को ले जाने का दबाव के कारण एक लड़की के पैर पर जनरेटर का पहिया चढ़ गया था और साथ ही लोगों ने मूर्ति विसर्जन जुलूस में पुलिस पर लाठियां भाजने का गंभीर आरोप भी लगाया था, जिसको लेकर आज आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। अट्ठाईस एवं 29 अक्टूबर की रात्रि में 12 बजे जनपद बस्ती के थाना मुंडेरवा में कस्बे की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन चल रहा था। मूर्ति विसर्जन जुलूस में आखिरी मूर्ति निकल रही थी, उस समय पुलिस ने उनको तेजी करने के लिए बोला। इसी क्रम में पीछे चल रहे जनरेटर का पहिया एक बच्ची के पैर पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां पे भीड़ आक्रोशित हो गई और उन्होंने पुलिस के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया। पीलीभीत की नोबा पकड़िया नगर पंचायत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी का खामियाजा क्षेत्र की जनता को चुकाना पड़ रहा है। बीते 22 दिनों में बुखार से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हर दूसरे घर में बुखार के मरीज मिल रहे हैं। बुखार ने एक और किशोर की जान ले ली है। स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। इसको लेकर क्षेत्र को लोगों में जबरन आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। लोगों में बुखार को लेकर दहशत फैली हुई है। आपको बता दें कि शहर से सटे नोगवा पकड़िया नगर पंचायत के गली मोहल्लों में गंदगी पड़ी हुई है और नाले नालियां चौक हैं और बारिश के बाद ही नालियों का हाल खराब हो जाता है। मच्छरों का प्रकोप भी तेजी के साथ बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवा का छिड़काव भी नहीं किया गया है, जिसके चलते स्थिति बिगड़ रही है और बुखार से 6 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और सीएमओ आलोक कुमार ने पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण जो है वो किया है। मामला ये था कि उसको बुखार आया, बुखार की दवाई दिलाई, तो बुखार ठीक हो गया। उसके बाद में डॉक्टर मनोज के यहाँ से दवाई चल रही थी, तो मंडी गेट पर नौगवा पकड़िया में पिछले 4 दिन से हमारी टीमें कैंप कर रही हैं और हम भी 2 दिन से लगातार जा रहे हैं, आज भी अभी भी तुरंत नहीं जा रहे हैं। वहाँ मौतें ज़्यादा नहीं हुई हैं, 4 मृत्यु हुई हैं, जिनमें से एक स्वाभाविक मृत्यु हुई है, एक टाइफाइड से मृत्यु हुई है, एक ही दिव्यांग है जिसका अभी मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका है कि उनके पास कोई कागज नहीं थे। ये 26 तारीख की बात है, मैं स्वयं उनके घर गया था, उनके पिताजी से माता जी से मिला था। उन्होंने बताया था कि बच्चे को लूज मोशन हुए थे, पेट में दर्द हुआ था, पतली टट्टी हुई थी और बुखार हुआ था। वो किसी प्राइवेट डॉक्टर का नाम ले रहे थे, जो उन्होंने आसपास इलाज किया था। जब रात में हालत बिगड़ी है तो उन्होंने कोई मेडिकल स्टोर से भी दवाई दी थी। उसके बाद में फिर वो उस बच्चे को किसी प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ गए, जिन्होंने शायद उसको मृत घोषित किया या जो भी
बात है, उसके बाद में फिर वो ब्लॉक के घर आए थे। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद विभाग की टीम ने एक बार फिर एक्शन में आते हुए कार्रवाई करने का काम किया है। आपको बता दें कि पागबड़ा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 3 अलग अलग अस्पतालों को सील किया गया है और पागबड़ा के समाथल रोड पर जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर रुकी तभी पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताते चले कि अभी एक दिन पहले ही इसी इलाके में न्यू इंडियन हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रसव पीड़ा के दौरान ही किए जा रहे ऑपरेशन के चलते मरीज की हुई मौत को लेकर कार्रवाई की गई थी और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी ने एक बार फिर एक्शन में आते हुए पाकड़बड़ा का रुख किया गया और 3 अलग अलग अस्पतालों को चेक किया जाने के पे ही उपरांत उन पर कार्रवाई कर दी गई और स्वास्थ्य विभाग की टीम सबसे पहले निशा हॉस्पिटल पहुंची और टीम ने निशा हॉस्पिटल के ऑनर से हॉस्पिटल संचालक के कागजात मांगे गए और जिस पर वो स्वास्थ्य विभाग को संतुष्ट करने में नाकाम रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सबसे पहले निशा हॉस्पिटल को सील किया है और उस अस्पताल में भर्ती मरीज को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और साथ ही चेतावनी भी दी गई है, इस तरह से किसी भी जिंदगी से खिलवाड़ करना कानूनी अपराध है, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी को जनहानि हो। श्रावस्ती में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एंटी रोमियो टीम सक्रिय हो गई है और टीम ने स्कूल में छात्र छात्राओं को आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं और साथ ही छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी है। टीम ने छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के तरीके बताए हैं। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पहुँच कर लोगों को जागरूक भी किया गया है। हाथरस में पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। खबर गोरखपुर से है, जहां सूर्य उपासना के प्रतीक छठ पर्व पर पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और महिलाओं को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए 57 स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं और इन ट्रेनों से पूर्वांचल और बिहार के लोगों को काफ़ी राहत पहुंचेगा। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर रूट होकर चलने वाली सभी पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि यात्री पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर पूजा स्पेशल ट्रेनों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं और लोगों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और स्पेशल ट्रेनों को लेकर भी जो यात्री है काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RPF के जवान भी लगाए गए हैं। अनाउंसमेंट सिस्टम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए जो यात्रियों की भीड़ बढ़ी है, मांग बढ़ी है टिकटों की, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे कुल 57 जो ट्रेनें जो है विशेष ट्रेनें चला रहा है। ये ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों से सभी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस के लिए, सभी महत्वपूर्ण महानगरों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो नियमित ट्रेनें हमारी चल रही हैं उसमें 226 एडिशनल कोच भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए RPF के जवान एडिशनल संख्या में लगाए गए हैं। जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो महिला यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए मेरी सहेली के अंतर्गत अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो जहां भीड़ भाड़ वाले स्टेशन से या जो ट्रेनों में स्पॉट भी कर रही हैं, जाके महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं। साथ ही साथ जैसे NER की बात करें तो छपरा रेलवे स्टेशन, वहां ज्यादा भीड़ होती है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ऐसे स्टेशनों के लिए हम लोगों ने एडिशनल काउंटर्स या जो भी एडिशनल व्यवस्था है भीड़ को ध्यान में रखते हुए उसको खोले जाने हैं तो निर्देश जारी किए। गोरखपुर छठ पर्व पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है और महिला और पुरुष छठ से संबंधित सामानों जो है वो खरीदने वाले जुटे हुए हैं और साथ ही छठ पर्व मनाने के लिए घाटों पर जाकर स्नान सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। छठ पर्व मनाने के लिए राप्ती नदी के घाट पर स्नान सुरक्षित करने आई
सरोजनी सिंह ने बताया है कि आज घाट पर छठ पूजा के लिए स्थान सुरक्षित करने आए हैं और माता जी की कृपा से हम लोग छठ पर्व मनाएंगे। और वहीं छठ पर्व के लिए खरीदारी करने आए ग्राहक ने भी बताया है कि छठ पर्व नहाए खाए से शुरू होता है और इस पर्व को पुरुष और महिलाएं दोनों लोग रहते हैं और ये व्रत निर्जल होता है और उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं और ये पर्व आस्था का प्रतीक है और सारी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ से वहाँ तक हम लोग बैठ जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, माता जी के छठ माता जी के कृपा से हम लोग छठ कर लेंगे यहीं पर। अभी क्या स्थिति है घाट की? अब घाट को क्या पानी तो देख ही रहे हैं आप, गंदगी भी चारों तरफ है। अब गंदगी तो आप नगर निगम वाला साफ करवाएगा। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर ग्राम में ही पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध बुखार फैलने से कई लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। ग्रामीण अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक दिन खाना पूर्ति के लिए गाँव में आया और लोगों के सैंपल ले लिए गए और जिसमें से कई लोगों का एलाजा जय टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। और मामले में एसडीएम भगवानपुर वैभव कुमार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और बता दें आपको कि गांव में लोगों की स्वास्थ्य की जांच करें, ऐसा भी उनका कहना है। और साथ ही गांव में डेंगू प्रकोप से बचने के लिए छिड़काव के लिए भी कहा गया है लेकिन असलियत इस सब से परे नजर आ रही है। फिलहाल गांव में अभी कई बीमार भी पड़े हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है क्योंकि लोग निजी अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर। डेंगू के लिए एक तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी और उनको निर्देश दे दिए गए हैं जहाँ पर भी पानी का ठहराव है वहाँ पर तत्काल दवाई का छिड़काव करें। साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पर निकासी की समस्या है वहाँ पर जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके उसका जो है निस्तारण किया जा रहा है। सितारगंज में चेयरमैन एडवोकेट हरीश दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद आज सितारगंज के ही अधिवक्ता भड़क गए हैं और उन्होंने एडवोकेट हरीश दुबे का समर्थन करते हुए आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेरित किया है। आपको बता दें कि ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा है कि थाना सितारगंज में एडवोकेट हरीश दुबे और अन्य जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध राजनीतिक दबाव में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसकी विवेचना बिना राजनीतिक दबाव में कराई जाए। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि अगर पुलिस ने राजनीतिक दबाव में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया तो न्यायालय में विधिक रूप से ही इसका विरोध करने के साथ सामाजिक तौर पर भी इसका विरोध किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष श्री हरीश दुबे जी एवं हमारी बार सितारगंज एसोसिएशन के सदस्य के ऊपर राजनीतिक दबाव में बगैर किसी जांच पड़ताल के अवैधानिक रूप से दी गई तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर अखबार के माध्यम से इनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उसमें सही जांच हो के संबंध में हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।